रेखा सिर्फ एक अदाकारा नहीं बल्कि एक इंस्टीट्यूशन है। उन्हें जो भी रोल मिला उसे इतनी शिद्दत से निभाया कि देखने वाले बस देखते ही रह गए। चाहे वो उमराव जान की अमीरन हो या खूबसूरत की नटखट मंजू, सिलसिला की चांदनी या फिर खून भरी मांग की आरती सक्सेना, उन्होंने अपने करियर में हर तरह के रोल किए और हर किरदार में अपनी अदाकारी के वो रंग भरे जो अजर अमर हो गए। लेकिन उन्होंने अपने करियर में कुछ ऐसी फिल्में भी की, कुछ ऐसे किरदार भी निभाए जिन पर विवाद भी हुआ। एक ऐसी ही फिल्म थी साल 1997 में रिलीज हुई आस्था इन द प्रिजन ऑफ स्प्रिंग। इस फिल्म में रेखा ने इतने बोल्ड सीन दिए थे जिसके बारे में सोचना भी मुश्किल है। ये सीन भी इतने लंबे थे कि पूरी फिल्म पर भारी पड़ गए। इस फिल्म में जहां रेखा के फैंस को धक्का लगा वहीं विवाद भी खूब हुआ। इस फिल्म के एक बोल्ड सीन के दौरान रेखा और ओमपुरी भावनाओं में इतने ज्यादा बह गए कि वो पूरी तरह से बहक गए। खबरों की माने तो जिस कुर्सी पर सीन फिल्माया जा रहा था उसके टूटने तक की नौबत आ गई थी। आज के इस वीडियो में हम आपको उस सीन से जुड़ा दिलचस्प किस्सा तो सुनाएंगे ही, साथ ही आपको बताएंगे कि आखिर क्यों रेखा बोल्ड किरदारों में एकदम खो जाती हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के आखिर तक। फिल्म आस्था इन द प्रिजन ऑफ स्प्रिंग को हिंदी सिनेमा की सबसे बोल्ड फिल्मों में गिना जाता है। उसके तमाम सीन्स ऐसे थे जिन्होंने स्क्रीन पर आग लगा दी थी। फिल्म में रेखा और ओमपुरी पति पत्नी के रोल में थे। एक इंटीमेट सीन के दौरान दोनों एक कुर्सी पर बैठे थे। सीन के दौरान ही दोनों बेकाबू हो गए। मामला रील से बढ़कर रियल होने लगा। ऐसा लगने लगा था कि आज दोनों हदें ही पार कर देंगे। सेट पर मौजूद लोग हैरान थे। एकदम सन्नाटा पसरा था। दोनों एक अलग ही दुनिया में थे। अचानक ऐसा लगा कि कुर्सी टूटने ही वाली है। तब जाकर दोनों को एहसास हुआ कि वो कुछ ज्यादा ही आगे निकल आए हैं। उस समय इस सीन की बहुत चर्चा हुई थी। इसके अलावा भी फिल्म में बोल्ड सीन की भरमार थी। आज के समय में जब किसी गाने में बोल्ड सीन आते ही हंगामा मच जाता है, लोग ट्रोल हो जाया करते हैं। इमरान हाशमी के गानों और किसिंग सीन को लेकर आज भी चर्चाएं होती हैं। तो सोचिए 25 साल पहले इनका क्या हाल हुआ होगा। इस फिल्म में दो ऐसे गाने थे जिनमें इतनी बोल्डनेस और इंटीमेसी दिखाई गई थी कि देखने वालों के पसीने छूट गए। इस फिल्म में ओमपुरी और नवीन निश्चल थे। रेखा के साथ इन दोनों का एक एक गाना शूट किया गया था और इन दोनों ही गानों में इतने गर्मा गर्म सीन फिल्माए गए थे कि आज भी उसकी कल्पना करना मुश्किल है। अगर आपने अभी तक उन गानों के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आगे बढ़ने से पहले एक बार जरूर देख लीजिए। आपको शायद यकीन भी नहीं होगा कि आज से 25 साल पहले इस तरह के गाने किसी फिल्म में रहे होंगे। रेखा ने अपनी मादक अदाओं से पर्दे पर आग लगा दी थी। खास बात यह थी कि फिल्म में ऐसा एक गाने में नहीं बल्कि दो गाने थे। गानों में भी बोल्ड सीन्स महज कुछ सेकंड या एक दो मिनट के नहीं बल्कि गानों की पूरी लेंथ में ऐसे सीन्स की भरमार थी। रेखा और ओमपुरी पर फिल्माया गया गाना जहां 5 मिनट से भी ऊपर का था, वहीं नवीन निश्चल पर फिल्माया गया गाना 4 मिनट से भी ज्यादा का था। इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे बासु भट्टाचार्य। अक्सर ऐसे सीन्स फिल्माने के लिए सिंबॉलिक सीन्स यूज किए जाते हैं, जैसे सुहागरात के सीन में बत्ती बुझते हुए दिखना या फिर मुट्ठियों को भींचना। लेकिन डायरेक्टर ने इन गानों में ऐसी कोई कोशिश नहीं की बल्कि उन्होंने सीन्स को एकदम रियल बनाने की कोशिश की और दर्शकों के सामने सब कुछ जस का तस ही परोस दिया। शायद इसके जरिए मेकर्स फिल्म को सेंसेशनल बनाने की कोशिश कर रहे थे। तभी तो बेहद संजीदा टॉपिक पर बनी इस फिल्म में न केवल ऐसे हॉट सीन्स डाले गए बल्कि फिल्म के पोस्टर में भी रेखा और ओमपुरी को बेहद बोल्ड अंदाज में दिखाया गया था। रेखा जैसी अदाकारा के फैंस ये सब देखकर हैरान रह गए थे। रेखा के फैंस आज भी लाखों करोड़ों की तादाद में हैं। अपनी फेवरेट हीरोइन को इस अवतार में देखना उन्हें जरा सा भी रास नहीं आया। लेकिन रेखा ने एक इंटरव्यू में कहा कि उन्हें जो भी किरदार मिलेगा उसे वो पूरी शिद्दत से निभाने में यकीन करती हैं। फिर चाहे वो किरदार एक बहन का हो, माँ का हो या फिर वेश्या का। रेखा इससे पहले उमराव जान में कोठे पर काम करने वाली लड़की का अमर किरदार निभा चुकी थी। फिल्म आस्था में भी उन्होंने एक ऐसी गृहिणी का रोल प्ले किया था जो अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए धंधे के दलदल में उतर जाती हैं। फिल्म की कहानी एक ऐसी शादीशुदा औरत के इर्द गिर्द घूमती है जिसकी अपनी इच्छाएं हैं।
लेकिन उसके पति की कम आमदनी के चलते वो अपनी इच्छाएं मारने को मजबूर रहती है। ऐसे में जब उसकी मुलाकात एक ऐसे आदमी से होती है जो उसकी हर इच्छा पूरी करने को तैयार है, बशर्ते उसकी कुछ इच्छाएं पूरी हो जाए, तो वो औरत पीछे नहीं हटती। लेकिन जब उसके पति को इसका पता चलता है तब क्या होता है, कहानी इसी के बारे में है। कहानी मध्यम वर्ग की है और अक्सर ऐसी कहानियों को ज्यादा दर्शक नहीं मिलते। 90 के दशक के आखिर में ऐसी फिल्में चलना बहुत मुश्किल था, लेकिन फिल्म में मौजूद बोल्ड सीन्स ने अपना असर दिखाया और फिल्म ने अच्छी खासी कमाई की थी। बॉलीवुड हंगामा .com की रिपोर्ट के अनुसार फिल्म का बजट था 1.5 करोड़ रुपए और फिल्म ने कमाई की थी 4.39 करोड़ की, यानी फिल्म कामयाब रही। फिल्म में ऐसे बोल्ड सीन्स पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।